Assalamualaikum guys, welcome back to English with Shahrukh Khan. Today I'm going to tell you about, to teach you about present perfect. Present perfect के बारे में हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको. Present perfect वो कौन सा वो जुमला है जिनके अख्तिताम चुका चुकी या फिर चुके पर होता है या जिन जुमलों का अख्तिताम लिए है या फिर लिए पर होता है. इसकी आसान या simplest definition अगर मैं आपको बताऊँ, वो काम जो कर तो चुके हूँ लेकिन उसका असर बाकी रहे, present perfect रहता है, कहलाता है. For example, मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है. ये अभी कंफ्यूजन का शिकार हो रहा है कि कहीं पे चुका आ रहा है कहीं पे लिया आ रहा है. वो काम जिस जो को हो चुका लेकिन उसका असर बाकी रहा है. यहाँ पे एक और एग्जांपल है, मैं एक्सरसाइज कर चुका हूँ. किस हिसाब से एक्सरसाइज तो हो गई है लेकिन उसका असर मेरे पास किस तरीके से बाकी रहा. अगर मेरा सांस फूला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्राउंड के मैंने राउंड लगाए हैं और मैं राउंड मेरे मुकम्मल हो गए एंड आई एम टेकिंग ब्रीक लाइक दैट, इट मीन्स दैट वर्क तो हो गया लेकिन उसका असर रहा. जिस तरीके से मैं कहता हूँ मैंने पानी पी लिया है, पानी तो चला गया लेकिन उसके वजह से जो मेरे होंठ गीले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की अलामत है. क्लियर? अच्छा भाई, अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, हैव हैज और हैड, ये तीनों जब भी आएगा इनके बाद वर्ब आएगा तो याद रखिएगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी. हमेशा जब भी हैड हैव या हैड आएगा हमेशा वर्ब की इसके बाद क्या लगाई जाएगी, अगर डायरेक्ट वर्ब आया तो थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी. अब हैज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, आपको बता दिया गया था सब्जेक्ट की वजह से. अगर आपको नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो उसको देख लीजिएगा. इसी तरीके से हैव का इस्तेमाल फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ होता है. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे दिए गए हैं. आई हैव गोन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका हूँ या मैं स्कूल चला गया. ठीक है, शी हैज डन एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज कर चुकी है. इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैज और हैव के बाद नोट का इजाफा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, यू हैव नॉट बिटन हिम, तुम उसको नहीं पीट चुके हो. ठीक है, इस तरीके से अगर इसका क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हैज और हैव को स्टार्ट में लेकर आ जाएंगे और फिर स्टार्ट के अंदर हैज आएगा. हैज ही मेड मील, क्या वो खाना तैयार कर चुका है या बना चुका है. मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, बीट की थर्ड फॉर्म बिटन होती है, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है और गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है. याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.